कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किस तरह अपने एंड्रॉयड डिवाइस में गॉड हैंड गेम को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये गेम अपने एंड्रॉयड डिवाइस में खेलना हो तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरी की पूरी देख लीजिएगा। और सबसे पहले ही मैं बता दूँ, अगर आपके एंड्रॉयड डिवाइस में ज़्यादा मतलब कि 2GB या 3GB रैम है तो ही इस गेम को डाउनलोड कीजिएगा, वरना इस गेम को प्लीज़ मत डाउनलोड कीजिएगा, वरना ये गेम आपके डिवाइस में लैग करेगा बहुत। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया हो तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए यार दोस्तों तक। तो दोस्तों, बिना टाइम फोड़े शुरू कर दें अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि आपके डिवाइस में अगर 1GB रैम है, 1.5GB रैम है तो प्लीज़ इस गेम को मत डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपके में 1.5GB रैम है या उससे थोड़ी अलग ऊपर रैम है तो ही इस गेम को डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे डिवाइसों में लैग करता है, क्योंकि ये एंड्रॉयड का APK नहीं है, ये एक PS2 का एप्लीकेशन है। और आप जानते हैं जो PS2 के गेम्स हम लोग एंड्रॉयड डिवाइस में खेलते हैं वो उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो एंड्रॉयड डिवाइस में बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है दोनों को ओपन करना है। आप कटिवाल्स की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिंपली सा आपको वेरीफाई करना होगी कि आप रोबोट नहीं हैं। तो जब आप वेरीफाई कर लेंगे आप रोबोट नहीं हो तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और फिर आपको 5-6 सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा और गेट लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली सा अपना प्ले स्टोर खोल लेना है। जब आप अपना प्ले स्टोर है ओपन कर लें तो आपको क्या करना है, उसके जो सर्च का आइकन होता है उस पर क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है एक छोटी सी एप्लीकेशन जो हमारे जो फाइल्स होती हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के बहुत काम आती है। तो दोस्तों, आपको सर्च करना है ZArchiver। दोस्तों, ये सबसे अच्छा एप्लीकेशन है एंड्रॉयड के लिए किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन जिसकी रेटिंग्स 4.5 है और 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, तो इसे डाउनलोड कर लेना है। तो दूसरी जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आप एक ऐसे पेज पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो गॉड हैंड के कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए गए हैं, तो आपको सिंपली से नीचे स्क्रॉल करते रहना है दोस्तों। तो दोस्तों, आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, तो आपको वहाँ पर डाउनलोड गॉड हैंड USA 982 MB इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको वेरीफाई करना होगा, फिर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इंटर द कैप्चा एंड गेट योर फाइल। तो यहाँ पे दोस्तों, जो कोड डला है नीचे कोड लिख के आता है, कोड $2MKMC Cafe। तो दोस्तों, पहले तो ऐसा आता नहीं था तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं थोड़ा ऊपर पढ़ रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जो नीचे जो कोड लिख के आता है ना फोटोज़ में कैप्चा में, वही आपको इनपुट करना है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ आता नहीं था, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई हो इनके सिस्टम में। तो दोस्तों, जैसे मैं डाल रहा हूँ $2MC Cafe। तो पहले ही मैं बता दूं आपको, ये गेम तभी डाउनलोड करना है जब आपकी 2GB रैम हो या कुछ प्रोसेसर 2.0 ZZ का प्रोसेसर हो। तो यहाँ मैक कैफ़े, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, जो नया पेज आएगा उस पर आपको डाउनलोड गॉड हैंड इस पर डाउनलोड क्लिक करना है दोस्तों, और फिर आपका डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे जब आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाए तो दूसरी लिंक थी puri.org की, तो आपको यहाँ पे आपको सबसे अपडेटेड एप्लीकेशन देखना है। जैसे यहाँ पे है 9 जुलाई 2017, सबसे नीचे .apk जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है, लास्ट से 3 नंबर पे है दोस्तों, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद दोस्तों, आपको करना है अपना है जो आपका जो ZArchiver एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। आपको डाउनलोड का फोल्डर देखना है जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है उस फाइल को, और उसमें दोस्तों आपको play.apk है उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया है। और इसके बाद दोस्तों, जो फाइल है गॉड हैंड वाली उसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, जब आप ये सब कर लें तो आपको क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, उस फाइल है उसको सिर्फ सिंपली से एक्सट्रैक्ट कर देना है, उसमें कोई भी पासवर्ड आसवर्ड नहीं है। तो दोस्तों, जब आप ये सब कर लें तो आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन खोलना है, मतलब कि प्ले एप्लीकेशन, और फिर वो आपके गेम्स को ऑटोमेटिकली सर्च कर लेता है। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग कलेक्शन प्लीज़ वेट, तो हम लोगों को थोड़ा वेट करना होगा इसमें। तो यहाँ पे हमारा गेम है वो सामने आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, प्ले स्टेशन 2 गॉड हैंड। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और
3-4 मिनट तक वेट करना होगा। ये आपके डिवाइस की रैम के ऊपर है, तो मैं इस टाइम को स्किप कर देता हूँ डायरेक्टली, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो दोस्तों स्किप करने के बाद 2-3 मिनट के बाद आपका गेम है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं इसलिए गेम प्ले दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये फेक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कितना अच्छा सा गेम चल रहा है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है, इस गेम को मैंने खेला तो नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम में एक आदमी होता है, उसके एक हाथ में बहुत है पावर होती है। तो यहाँ हमारा गेम है वो स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ होता होगा इस गेम में, मुझे कुछ अंदाज नहीं है। अगर आपने खेला हो तो आपको पता होगा, अगर आपका मन हो इस गेम को एंड्रॉयड में खेलना तो आप खेल लीजिएगा। तो मुझे कोई मतलब मुझे मैंने इसे खेला नहीं है तो मुझे इस गेम के बारे में कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों आशा है वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों जो मेन कैरेक्टर था, मतलब कि मेल कैरेक्टर, वो हमारा ये जो ब्लैक कुछ स्टाइलिश कपड़ों में है, वही हमारा मेन कैरेक्टर है। तो मिलता हूँ आपको नए और अगले वीडियो में, ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए किस गेम के ऊपर आपको प्रॉब्लम है। तो सब्सक्राइब कीजिए यार, सब्सक्राइब। तो बाय बाय, टेक केयर।